कॉलेज में जल्द शुरू होगी कक्षाएं। पहले बैच को नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने दी मंजूरी। अंडर ग्रेजुएट बीएचएमएस कोर्स शुरू करने की दी मंजूरी। बीएचएमएस के 63 विद्यार्थियों की पहले बैच की होगी शुरुआत। पटाखों की बिक्री पर सांबा प्रशासन का बड़ा कदम। रिहायशी क्षेत्र और मार्केट में पटाखों की बिक्री पर रोक। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे पंचायती चुनाव। नए साल में पंचायती चुनाव होने की संभावना। मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया हुई शुरू। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष परमार। से शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। कठुआ की राजपाथ की रख हशियारी में ही बनाए गए उत्तर भारत के पहले होम्योपैथिक कॉलेज में एक महीने में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल में इसी सत्र से 63 सीट के साथ अंडर ग्रेजुएट बीएचएमएस कोर्स के लिए कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। बताते चले कि जब यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से क्लासेस शुरू होंगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जाहिर तौर पर आप नौकरी भी पाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कठुआ के अंदर होम्योपैथिक कॉलेज में अब यहाँ पर कक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन पहले बैच को लेकर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने यहाँ मंजूरी दे दी है, जिसमें बीएचएमएस की क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और बीएचएमएस की अनुमति यहाँ फिलहाल मिल गई है। छात्रों को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो 63 छात्रों को शामिल यहाँ पर किया जाएगा, उनकी बैच की शुरुआत होगी। तो जाहिर तौर पर देखना ये बहुत जरूरी रहेगा कि वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं बच्चों के लिए रखी गई हैं, क्योंकि होम्योपैथी कॉलेज की तो शुरुआत हुई है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम किया गया है, फैकल्टी को लेकर क्या काम वहाँ पर किया गया है। रंजीव हमारे संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। रंजीव जरा बताइए, जिस तरह से कॉलेज की शुरुआत हुई है, स्टाफ को लेकर क्या जानकारी है, सुविधाओं को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ऐसा मैं बताऊं कि उत्तर भारत का जो सबसे पहला राजकीय जो सरकारी होम्योपैथी कॉलेज है वो कठुआ जिले के विधानसभा के इलाके शहरी इलाके में जो है वो बनने जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा वो दे दी गई है। फिलहाल इसी सत्र से एक महीने बाद 63 छात्र जो होम्योपैथी से बीएचएमएस के लिए जो विद्यार्थी होंगे उनकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। इसके लिए फिलहाल उन्हें कठुआ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही अपना प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्राप्त करना है और उसके लिए 13 फैकल्टी मेंबर्स की जो मंजूरी है वो मिल गई है। अभी तक 13 फैकल्टी मेंबर जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको ही इसका प्रभार दिया गया है और कठुआ शहर में जो पुराना अस्पताल है महात्मा गांधी अस्पताल वहाँ पर ओपनिंग जो है इस कॉलेज के लिए वो रखी गई है और उसके बाद 3 साल के इस इमारत बनने में वहाँ पर छोटा से राम से तो जिसके चलते वहाँ पर काफी बड़ी उपलब्धि है। इस इलाके की बात करूँ कठुआ जिले की, यहाँ पर करीब 53 करोड़ की लागत से ये 57 करनाल भूमि पर ये जो निर्माण कार्य है ये शुरू हो चुका है। इसकी बाहरी दीवार का कार्य जो तस्वीरों में साफ देखा है, बाहरी दीवार है। बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो गया है, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही दिखा रही है। जंगल वाला इलाका है, रोड भी अभी पर पूरी तरह से बना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की अभी आप देखिए मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, अच्छा मैं बताऊं क्योंकि यहाँ पर ये बन रहा है, ये जो छोटा सी काली माता मंदिर जो ऐतिहासिक है वहाँ उसी के पास में बन रहा है और वहाँ पर जो रोड है वो पहले से है, इसको अप्रोच रोड बिल्कुल बना हुआ है लेकिन वहाँ पर जो जमीन समतल करने का काम है जहाँ फिलहाल पहले चरण में वहाँ पर चार दीवारी की जा रही है, उसके बाद वहाँ पर इमारत के बनने का काम शुरू होगा। तो काफी नजदीक है, ये हाईवे से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये बना हुआ और ऐसी जिले इलाके में बना है जैसे होम्योपैथिक के कॉलेजों के लिए उपयुक्त जगह है और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य इमारत बनेगी और जिसके कारण वहाँ पर छात्रों को काफी सहायता मिलेगी। लेकिन आवाजाही के लिए क्या है, व्हीकल को लेकर अगर बात की जाए, गाड़ियों का क्या अरेंजमेंट वहाँ पर किया जाए? इर्द गिर्द के ही बच्चे होंगे, कठुआ के दूर दराज के इलाके के बच्चे भी यहाँ पर पहुँचेंगे।
हाँ, जो इमारत जहाँ पे बनेगी, दो हॉस्टल यहाँ पे बनने का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। दो हॉस्टल बनेंगे, जो फैकल्टी मेंबर हैं उनके लिए क्वार्टर्स वगैरह बनेंगे, तो ये सारा प्रावधान जो बिल्डिंग का डीपीआर है उसमें रखा गया है। और पहुंचने के लिए इतना आसान रास्ता है कि जो छोटा से राजबाग से नेशनल हाईवे से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उस इलाके में है, और बिल्कुल कठुआ शहर से मात्र 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये बना हुआ बनेगा। लेकिन फिलहाल जो इस साल जो है 63 विद्यार्थी जो है अपनी क्लासें इसी सत्र में कठुआ के मेडिकल कॉलेज से ही शुरू करेंगे। सौगात से कम नहीं है रंजीत कठुआ के बच्चों के लिए, क्योंकि दूर दराज उनको पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना होगा, मेडिकल की पढ़ाई वो यहाँ पर कर सकते हैं। होम्योपैथिक कॉलेज इस तरह से खुल गया है, तो जो डिग्री है वो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जिला कठुआ की जनता के लिए भी किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि अभिभावक अक्सर अपनी बेटियों को लेकर परेशान रहते थे, लेकिन अब उनकी ये परेशानी दूर हो गई है। कठुआ की बच्चियां कठुआ के अंदर ही BMHS की डिग्री प्राप्त कर सकती है, जिसको लेकर काम किया जाए। आगे बढ़ जाते हैं, पटाखों की बिक्री को लेकर जिला प्रशासन सांबा ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने रिहायशी इलाकों और मार्केट में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। प्रशासन ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कह दी। और यही नहीं, प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कह दी है। दीपावली को महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले सांबा प्रशासन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, जिस पर आप देखिए पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप बिना लाइसेंस के ही पटाखे बिक्री कर रहे हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए अब जिला प्रशासन के अंदर किस तरह से प्रशासन जो है वो सतर्कता बरतता नजर आ रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से जो एक बड़ा फरमान ही इसे कहा जाएगा, आदेश जारी कर दिया गया है, किस तरह से अब पटाखा विक्रेता जो है वो अब काम करेंगे। दिवाली का ये पर्व जो है कुछ ही दिनों के बाद बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि जब बाजारों में कई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती है उसी को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई है। ये रिस्ट्रिक्शन है पटाखों की सेल्स को लेकर। आपको बता दें कि राजीव शर्मा जी ने सेक्शन 163 के तहत ये ऑर्डर जारी किया है कि कंप्लीट बैन लगाया गया है फायर क्रैकर्स की सेल के ऊपर। ये फायर क्रैकर्स ना ही आप सांबा जिला में किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं और ना ही आप रेजिडेंशियल एरिया में बेच सकते हैं। ये फरमान जारी कर दिया, और अगर इसकी कोई वायलेशन करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे कुछ और चीजें भी, कुछ और गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसमें भी कहा गया है कि कोई भी शॉपकीपर जो पटाखे की सेल कर रहा है वो विदाउट लाइसेंस या विदाउट परमिशन वो सेल नहीं कर सकता। अगर ऐसी कोई चीजें पाई गई तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही भी कहा गया कि जो लार्ज गोडाउन है, जो बड़े बड़े पटाखों के गोडाउन चला रहे हैं, उनको भी गोडाउन चलाने की जो परमिशन है, लाइसेंस है, वो लेना होगा, तब जाकर आगे इसके ऊपर आप काम करेंगे। गाइडलाइंस कौन कौन सी रखी गई है ऋषि, अग्निशम विभाग से बातचीत की गई है कि नहीं? देखिए, यही गाइडलाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो आप अगर फायर क्रैकर की सील करना चाहते हैं तो आपके पास पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए या फिर परमिशन होनी चाहिए। इसी के साथ गोडाउन की भी आपके पास परमिशन लाइसेंस होनी चाहिए। कुछ गाइडलाइन ये भी है कि जो परमिशन जो लोग लेते हैं पटाखों की सेल को लेकर, उनको पर्टिकुलर वेन्यू जो है वो दे दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है वेन्यू। जैसे सांबा की बात करें तो सांबा का एक पुराना कहने के होने जो कि रिहायशी इलाकों से दूर है, यहाँ पर आप बिक्री करेंगे विद परमिशन। इसी के साथ रानी सिंह स्टेडियम में यहाँ पर भी आप बिक्री कर सकते हैं विद परमिशन। तो इसी तरह से सांबा हो, राजपुरा हो, गगवाल हो, बड़ी ब्राह्मणा हो, विजयपुर हो, रामगढ़ हो, ये अलग अलग वेन्यूज हैं यहाँ पर जो रिहायशी इलाकों से दूर ये वेन्यू बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी दिशापनी हो जाती है तो उसे रिहायशी इलाके जो वो बच पाए, क्योंकि पटाखे कहीं भी कोई जरा सी चिंगारी झुलक जाएगी तो काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इसलिए मार्केट में और रेजिडेंशियल एरिया में आप पटाखे सवाल आपसे मैं जवाब जानना चाहूंगी। जिला सांबा की बात करें तो उसमें बाईधामा इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है और काफी तरीके से सिडको कॉम्प्लेक्स जिस तरह से है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस तरह से क्रैकर्स जलाना, क्या पॉल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए कोई डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर काम किया गया है कि नहीं? देखिए बिल्कुल, अगर इंडस्ट्री को लेकर बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी पॉल्यूशन की जो मात्रा वो काफी ज्यादा होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर बात करें तो अभी आप देखेंगे वो कैसे बढ़ता नजर आएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में पटाखे चलाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें मैं बड़ी ब्राह्मण का एक वेन्यू आपके साथ
साझा करूंगा जो मैंने प्रशासन ने जारी किया है कि अगर आप यहाँ पर फेल कर सकते हैं या पटाखे चला सकते हैं उसको लेकर वेन्यू दिया गया है, तो वो वेन्यू आपको बताना चाहता हूँ जिसमें बड़ी हमने कल मेंशन किया कि जो ओपन स्पेस है बलून नाला जो कि रिहायशी इलाके से काफी दूर है, यहाँ पर आप जब वो पार कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि पोल्यूशन को भी ध्यान में रखा गया है और पोल्यूशन को ध्यान में रखकर ही ये तमाम गाइडलाइन जो है प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। इसी के निष्पन्न में आपको बता दूं कि कल ही एक टीम प्रशासन की निकलती है मार्केट का औचक दौरा करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 7 ऐसी फायर क्रैकर्स की शॉप जिनको सील कर दिया जाता है, पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, उनके पास परमिशन नहीं थी तो हमें जानकारी मिल रही है। जिसमें एसीआर सांबा की बात करें डॉक्टर कुटुम से, वो अपनी टीम को साथ लेकर चली, रेवेन्यू विभाग की टीम निकली और यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई को उन्होंने अंजाम दिया। लेकिन हमें हर बार ये कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें रोज भी देखने को मिल रहा है जो फायर क्रैकर्स विक्रेता है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास यही दिन होते हैं कि चलिए 4 पैसे वो इनकम आप सोर्स भी वो बनाएंगे, लेकिन 50 दिन हमारे ऊपर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन लागू कर देता है तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ साथ आप पर्टिकुलर परमिशन ले लें, देखिए परमिशन जब आपके हाथ में आ जाती है फिर आप सेफ साइड पर आ जाते हैं, फिर आपको किसी तरह की कोई लेकिन परमिशन के साथ साथ आम लोगों को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी ध्यान में रखना होगा कि आईक्यू लेवल ना बढ़ जाए, और अगर आईक्यू लेवल बढ़ जाता है तो फिर बड़े बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है, छोटे बच्चों को परेशानी हो सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्रैकर्स आपको जलाने। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। और जिला प्रशासन ने आप देखिए सतर्कता बरती है, इसी तरह से 20 जिलों के अंदर प्रशासन को सतर्कता बरतने की जरूरत है कि अगर क्रैकर्स आपको जलाने हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये काम करना होगा। आगे बढ़ जाते, विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में जहां पंचायत चुनाव की तैयारियां कर ली गई हैं, नवंबर या फिर दिसंबर में चुनाव होंगे और इसलिए मतदाता सूची को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इसके लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं और प्रदेश में 285 ब्लॉक के लिए अधिकारियों को सूचियों के लिए नए नाम जोड़ने के लिए कह दिया गया है। और बताते चले कि एक वर्ष में जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव लंबित है, वर्ष 2023 अक्टूबर में पंचायतों के 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया था और पिछले वर्ष ही यहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव कराने का संकेत दिया था। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने है, जहां पर आप देखिए जिस तरह से बड़ी बात जरूर कही जा रही है कि विधानसभा चुनावों के बाद अब यहाँ पर पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ये कहा गया है कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट होनी चाहिए और उसके बाद ही जैसे ही वो रिपोर्ट सबमिट होती है उसके बाद पंचायती चुनाव तुरंत कराए जाएंगे। एक बार फिर से ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद पंचायत चुनाव कराने की बात हो रही है, लेकिन उस बीच में एक तर्क और भी फंसा था जिसमें ये कहा गया था कि ओबीसी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट होनी चाहिए, आरक्षण को लेकर काम होना चाहिए और जितनी जल्दी वो रिपोर्ट सबमिट हो जाती है उतनी ही जल्दी पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। लगाया जा रहा था कि शायद विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनाव यहाँ पर होंगे, लेकिन जितना भी समरी रिवीजन होना था, ओबीसी की जो रिपोर्ट है उसे भी सबमिट करना था और उसके बाद ही जो तमाम प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना था, लेकिन अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो गए ओबीसी की रिपोर्ट को भी सबमिट कर दिया, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट जब वो अभी आ ही जाएगी, लेकिन उससे पहले ये संकेत हमको मिल गया है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पंचायत इलेक्शन जब वो होने जा रहे हैं। लेकिन हम लंबे अरसे से देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव हो या फिर अपर लोकल बॉडीज के चुनाव हो ये लगातार ड्यू चल रहे थे, लेकिन अब पिछले से विधानसभा चुनावों को लेकर एक पर्दा हटा, विधानसभा चुनाव यहाँ पर संपन्न हो गए शांतिपूर्वक और अब जो है पंचायत चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये जो थ्री-टियर सिस्टम को लेकर बात की गई थी जो एक बार से थ्री-टियर सिस्टम हमारा कम्प्लीट होता नजर आएगा, जिसमें अगर जो हमें डिटेल्स मिल पा रही है स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि जो समरी रिवीजन है उसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट फॉर पंचायत इलेक्शन इलेक्टोरल रोल ये 4 नवंबर को जो वो इसकी डेट निर्धारित की गई है। इसी के साथ चैलेंज या ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, जिसमें एडिशन या डिलीशन का आप जो कार्य करते हैं, करप्शन या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको लेकर भी 4/11 से लेकर 4/12 तक का ये समय रखा गया है, यानी इसमें कोई भी चीजें आपने एड ऑन करनी है तो समरी रिवीजन इससे होनी है। इसी के साथ उसके बाद स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे पोलिंग बूथ पर, जिसमें पोलिंग बूथ ऑफिशियल जो होंगे वो यहाँ पर तैनात रहेंगे, जो कि 16 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ये कैंप जो वो आयोजित किया जाएगा। उसके बाद क्लेम ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो सामने आएगा, जिसको लेकर डेट निर्धारित की गई है 30 दिसंबर की, और फाइनली जिस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं वो दिन बताया जा रहा है
पब्लिकेशन ऑफ फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल जो कि 6 जनवरी को ये डेट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो इलेक्टोरल रोल जो प्रोसेस होना है पंचायती चुनाव का उसे सामने लाया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरफ से बिल्कुल पैसा यहाँ पर पंचायती चुनावों का नजर आ रहा है। जो भी तैयारियां कर रही है वो इन बिटवीन में तमाम तैयारियां की जाएंगी, तमाम कमरे रिविजन प्रोसेस को कम्प्लीट किया जाएगा। उसके बाद ये जो जो पंचायती चुनाव भी कर रहे ये कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे अब लोकल बॉडी के चुनाव की तरफ, थोड़े देखिए आगे चीजें सामने आ रही है। पंचायती चुनाव होना बहुत जरूरी है इसी, क्योंकि ये पुरानी मांग भी थी और समय भी अब हो गया है और संकेत तो दिए ही गए थे, लेकिन अगर जल्द से जल्द होते हैं तो आम जनता का फायदा हो सकता है, क्योंकि आप पंच सरपंच के पास अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं और सरपंच आपका जो है नुमाइंदे के पास जा सकता है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। परिवार रहता है भरोसा अटूट। काम अपनी जगह पर देखिए संतान से नो कॉम्प्रोमाइज, बात सब प्योरिटी की हो एक बार सर आपका स्वागत है। अब आपको कांग्रेस की खबर दिखा देते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से लगातार मंथन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जम्मू में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो करारी हार मिली है, शिकस्त मिली है, उसके बाद पार्टी में मंथन यहां पर शुरू हो गया है। और जब मंथन यहां पर पार्टी शुरू करने लगी है तो आप देखिए इसका फायदा किस तरह से रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की साख फंडिंग कमेटी अब हार के कारणों का पता लगाने के लिए जिला स्तर पर भी बैठकों का आयोजन करेगी, जिसमें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से कमेटी बैठक करेगी और विधानसभा में मिली हुई करारी हार के कारणों का पता लगाया जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, आखिर ऐसी क्या वजह रही, किस वजह से आम जनता कनेक्ट नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी के साथ, या फिर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो बूथ स्तर तक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया है, इन कारणों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जी ने ज्वाइन कर लिया है। विनोद जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है, फाइनल कमेटी की तरफ से बैठकें होंगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर कमियां कहां पर रह गई, किस तरह से ये पूरी मीटिंग चल रही है और क्या कुछ काम अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए कल 5 घंटे तक लगातार मैराथन मीटिंग चल रही है, जिसको शेयर किया है करार ने, तारीख हमें करा जो पीसीसी चीज है, उन्होंने करार 5 घंटे तक ये अनुमान लगाने की कोशिश की हार के कारण क्या हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी बात ये सामने आई है कि जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो इस बात को सस्टेन करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का मिस यूज जो है वो किया गया है, इसके कारण हारे हैं। लेकिन अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है इस 5 घंटे की मीटिंग पर बिलीव नहीं करते हुए जिला स्तर पर भी जाएगी, जिला स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं और नॉन कांग्रेसी लोगों से यानी गैर कांग्रेसी लोगों से मुलाकात करेगी और जानने का प्रश्न कि आखिर वजह क्या रही, क्यों हम सिमट क्यों गए। लेकिन विनोद जी, आप कर्नाटक की बात करें या फिर हिमाचल की बात करें तो वहां पर तो सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है, जहां पर कांग्रेस को जीत मिलती है वहां पर सब ठीक है और जहां पर हार मिलती है तो मशीन पर ठीक रिपोर्ट दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि जो विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, जहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच रहा था वहां पर तो आप रास्ते से भी पहुंच सकते थे, लेकिन आपने इतनी मशक्कत नहीं की कि आप बाय रोड वहां पर चले गए और लोगों का संबोधन कर लें और उनसे बातचीत कर लें, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गैप को भरने में कामयाब नहीं हुई है, जो एक बड़ा कारण रहा है। वो बेसिकली जो सरकारी मशीनरी है उस पर आरोप लगा रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्योंकि इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है उनका समर्थन किया है। अलबत्ता बात ये भी है कि जिस तरीके से प्रचार होना चाहिए नहीं हुआ है, सीटों के वितरण में भी बहुत सारी गलतियां हुई है जो कांग्रेस के बड़े नेता सरकार भी करते हैं। लेकिन ये सच बात है जैसे आप बताया कि आप चौपर पे जा रहे हैं, अगर आप पैदल जाते घूमते तो परिस्थितियों और स्थितियों कुछ और होती। विनोद जी, आप काफी तजुर्बा रखते हैं, वाकई में लगता है कि मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस के जो मैदान में उतरे थे लास्ट तक वो लीड दे रहे थे लेकिन अंत में हार गए।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली मरतबा हर एक पार्टी ने कहा है कि लेवल प्ले फील्ड मिला है हर एक पार्टी। जब लेवल प्ले फील्ड को हर एक जमात को मिला है तो तब ये एलिगेशन लगाना कि मशीनरी का मिसयूज जो है ये बिल्कुल गलत है। एक थोड़ा सा उदाहरण मैं देता हूँ, अगर सीट की बात करें, अगर वो सीट को दे दी जाती और ताराचंद को यहाँ से लड़ाया जाता अखनूर से लड़ाया जाता और दूसरी ओर बाहू की साउथ की बात करें बाहू की बात करें वहां पर भी सीट किया स्वैप किया जाता तो सीटें कुछ और होती। टिकट वितरण में अलायंस में आपने गलतियां की है, वो गलतियों का काम रहेगा ये कांग्रेस को कर दिया। कांग्रेस को आत्म मंत्र आपकी चिंता में ये जरूर लेना चाहिए कि आखिर हमने अलायंस किया उसमें क्या गलतियां कर रही और टिकट वितरण में क्या गलतियां। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह का मंथन करने की जरूरत है। जहां पर जिस नुमाइंदे को उतारना चाहिए था वो नहीं उतारा गया, जिसे टिकट दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई और वो इंडिपेंडेंटली यहां पर चुनाव लड़ना शुरू हो गए। तो उसी का आघात आप देखिए कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में हुआ है और एक कम्युनिकेशन गैप को भरने की जरूरत थी। कार्यकर्ता क्या बूथ स्तर तक पहुंच पाया, आम जनता तक पहुंच पाया, इस पर मंथन करने की जरूरत थी। आगे बढ़ जाते हैं, दक्षिण कश्मीर के ही कुलगाम जिले के डीएचपोरा इलाके में आज सुबह सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये घटना दुमहाल हांजीपोरा इलाके में हुई है जिसमें सेना के 9 जवान घायल हो गए हैं और घायल जवानों में से एक के बाद एक जख्मों की ताप ना सहते हुए दम यहां पर तोड़ रहे हैं। तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उधर पुलिस ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुर में बारूदी सुरंग विस्फोट में ही एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल को सदर अस्पताल पुंछ में पहुंचाया गया है जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उनका उपचार जारी है और घायल की पहचान 40 वर्षीय हनीफ के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि हनीफ शाहपुर के ही सीमावर्ती इलाके में अपनी जमीन पर लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे और इसी दौरान उसका जो पांव है गलती से बारूदी सुरंग पर पड़ गया और विस्फोट से वो घायल हो गया। घायल ने सरकार और जिला प्रशासन से वित्तीय सहायता देने की मांग कर दी है। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है, मैं अपनी खेती में था। ये शाहपुर जो साइड में कहानियां पड़ता है हमारे दूर शाहपुर, ये वो खेती थी हमारी, बाकी जमीन हमारी पूरे डिफेंस के अंदर था, थोड़ी सी बची हुई है। उसने पश्चिम जा रहे थे मेरे ऊपर, मैंने उनको जाकर भगाया तो नीचे ले आया, रस्ते में चलते चलते नाली वहाँ निकाल रखी है, नाली के अंदर मेरा पैर पड़ा तो ब्लास्ट हो गया। तो मैं काम करता हूँ सर, पोर्टर का काम करता हूँ आरटी के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए, चाहे वो डॉक्टर लोग हों, मेरी लाश बचाई जाए। बाकी मैं आर्मी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा की मांग अब लगातार जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर जम्मू में शिवसेना झुगड़ा फ्रंट ने जम्मू में अब आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर दिया है, क्योंकि दरबार मूव प्रथा को दोबारा शुरू करने की ये मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर शिवसेना झुगड़ा फ्रंट के ही प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि कचरा से रेलगाड़ियों का साधा यहाँ पर जो संपर्क देखा गया, ये सीधे संपर्क की बात कर रहे हैं कि गाड़ियों का जो सीधा संपर्क होने से आज जम्मू का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। अगर दरबार मूव प्रथा की बहाली होती है तो जम्मू के व्यापारियों को राहत यहाँ पर जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि दरबार मूव हर 6 महीने के लिए होता था। 6 महीने आपका जो सेक्रेटरेट है वो जम्मू में काम करता था और 6 महीने के लिए श्रीनगर के अंदर सेक्रेटरेट काम करता था, जिससे लोगों का कारोबार भी बढ़ता था और आमदनी उनकी यहाँ पर जो छोटे व्यापारी हैं उनकी भी बढ़ती थी। लेकिन जब से दरबार मूव की प्रथा बंद हुई है तब से लोगों का कारोबार ठप हो गया है और जम्मू के कारोबारियों को इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो पर्यटक बाहर से पहुंचते हैं वो भी सीधा अपने गंतव्य के पास जा रहे हैं। लेकिन अगर दरबार मूव की प्रथा को दोबारा से शुरू किया जाता है तो कहीं ना कहीं राहत की सांस है। इस तरह से बात कही जा रही है अशोक गुप्ता की तरफ से। कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के अंदर था दरबार मूव, जब हम आएंगे सत्ता के अंदर दरबार मूव चालू होगा। जम्मू की हालत बड़ी खस्ता हो गई है, ट्रेनें यहाँ से रवाना हो गई कश्मीर को, जो बाहर से यात्रु आता था बंद हो गया। दरबार मूव के कारण जो हलचल थी
जिसके कारण श्रीनगर से लोग आते थे, यहाँ दुकानदारों को पैसा कुछ मिलता था। उस समय के हालात माननीय उपराज्यपाल जी ने, जब ज्यादा मिलिटेंसी थी, एक निर्णय लिया था दरबार मूव नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब मिलिटेंसी के अंदर और प्रजातांत्रिक सरकार अगर चुन करके आई हुई सरकार ने कुछ वादा करा है, तो माननीय उपराज्यपाल जी, श्रीमान गृह मंत्री महोदय, जम्मू की जनता के लिए आपको उस वादे को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा सरकार को घेरने की किस तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार अपनी रणनीति किस तरह से तैयार कर रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।